नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के पास लगते गांव समालखा से, जहां पर मैं आपको बता देना चाहूंगी दोस्तों कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग गरीबी को अपनी जिंदगी की कामयाबी की रुकावट समझ लेते हैं। लेकिन हमारे साथ आज एक ऐसी लड़की जुड़ने वाली है, एक ऐसी प्लेयर जुड़ने वाली है जिसने गरीबी को काफ़ी पीछे छोड़ दिया और आज जिस मुकाम पर है, आज जो उन्होंने हासिल किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस प्लेयर की मैं बात कर रही हूँ, वेट लिफ्टिंग में उन्होंने नाम चमकाया है पूरे करनाल का, पूरे हरियाणा का और अब जल्द पूरे देश का नाम जरूर चमकाएंगी, हरियाणा का नाम जरूर चमकाएंगी। क्योंकि दोस्तों हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के खिलाड़ियों का एक अलग ही रुतबा है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने हमेशा हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल स्तर पर नाम रोशन किया। और सबसे पहले ऋतु कश्यप से जुड़ने से पहले मैं आपको उनके घर की तस्वीरें एक बार दिखाना चाहूंगी कि जिस घर में वो रहती हैं, क्योंकि उनके अलावा उनकी 5 बहनें और हैं, जिसमें से जो जानकारी मिली है कि 3 बहनों की शादी भी हो चुकी है, जो सबसे बड़ी बहनें हैं, और उसके अलावा ऋतु का एक छोटा भाई भी है। 2 और ऋतु की बहनें हैं जो ऋतु के साथ यहां पर रहती है और माता पिता के साथ। आप ये देख सकते हैं कि काफी पुराने किस्म का ये घर बना हुआ है, कनियों वाली ये छत है और ऐसी ही छतें हमने बारिश में कई बार गिरती हुई देखी है। ऋतु कश्यप की मैं बात करूं तो ये देखिए, रेशमा है नाम, चलिए अच्छा ठीक है, घर में ऋतु बोलते हैं लेकिन वैसे असल में जो नाम है वो रेशमा कश्यप है। अंदर भी आप देख सकते हैं एक स्टोर रूम बनाया गया, यानी कि जिस तरीके से जहां से मैंने शुरू किया कि बहुत लोग गरीबी को अपनी रुकावट समझ लेते हैं, सोचते हैं कि भगवान ने हमें गरीबी दी है तो शायद हम इससे ऊपर उठकर कुछ और सोच नहीं सकते, शायद हम इससे ऊपर उठकर कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन गरीबी को किस तरीके से पीछे छोड़ते हुए रेशमा कश्यप ने जो किया अपने आप में काबिले तारीफ है। स्टेट लेवल पर पहले भी रेशमा कश्यप कई मेडल्स लेकर घर लौटी हैं और एक बार फिर से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हुई वेट लिफ्टिंग की इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेकर लौटी है। तो मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। गांव वालों की एक बार मैं चाहूंगी कि तस्वीरें जरूर दिखा दी जाए। ये देखिए पूरा का पूरा गांव समालखा गांव है, किस तरीके से यहां पर इकट्ठा हो चुका है और अपने आप में एक खुशी की बात जरूर है परिवार वालों के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पूरा गाँव उनके लिए एक दिन इस तरीके से उनके घर के आंगन में इकट्ठा होगा। सबसे पहले रेशमा जी, पहले मैंने आपका नाम ऋतु बोला, मुझे लगता है प्यार से ऋतु बोलते हैं आपको, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मैम। क्या कहना चाहेंगी करनाल की ऑडियंस को, हरियाणा की ऑडियंस को? चेहरे पर खुशी तो देख पा ही रही हूँ लेकिन आंखें शायद आपकी नम बहुत हैं, क्योंकि जो नम है वो तो मैं शायद ब्याह भी नहीं कर पाऊँ। लेकिन आज मैं जिस मुकाम पे यहाँ पहुँचूँ, सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली, नहीं सबसे ज़्यादा मैं मेरी फैमिली को नहीं बोलूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं मेरे कोच साहब सुभाष सर कोच उनको दूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ना इतना सपोर्ट किया है। मेरे हालात देख लो, आज तक मैं 3 मंथ हो गई आज तक मैं घर नहीं आई, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना मोटिवेशन किया कि शायद मैं घर के हालात भी भूल गई थी। उन्होंने मुझे हर एक चीज़ खाने पीने की हर एक वो चीज़ दी जो शायद मैं कभी आज तक मैंने खाई भी नहीं होगी। और रही बात मेरे मम्मी पापा की, तो इन्होंने भी मुझे, पूरे गांव ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि शायद मैं ब्याह भी नहीं कर पाती। बस अब मैं आगे सबको यही कहूँगी कि मेरे जैसे हालात है, मुझे थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाना, मैं ऑल इंडिया में मेडल दूंगा। ऑल इंडिया छोड़ो, मैं इंटरनेशनल, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से मेडल। हरियाणा सरकार से सपोर्ट चाहेंगी आप? हाँ जी, क्योंकि सरकार से सपोर्ट चाहेंगी। अगर देखो सबको सपोर्ट करते हैं कि प्लीज मुझे भी सपोर्ट करो ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं और मैं भी ऐसे ऐसे मेडल, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा मेडल लेके आऊंगी। 4 चांद लग रहे हैं इन मेडल्स के साथ आपके ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है एक मेडल के लिए भी खिलाड़ी दोस्तों सालों साल तरसते हैं, लेकिन यहाँ पर तो गला आप पूरा देख सकते हैं, नोटों के हार, फूल मालाओं के हार तो है लेकिन मेडल्स बेहद सारे हैं। किन किन खेलों में मेडल जीते हुए? क्या वेट लिफ्टिंग ही करते हैं या और भी कुछ शौक है? पहले मैंने पावर लिफ्टिंग भी की थी, वेट लिफ्टिंग के साथ पावर लिफ्टिंग भी जुड़ जाती है, पर पावर लिफ्टिंग का इतना वो नहीं है, लेकिन वेट लिफ्टिंग
सारे वेट लिफ्टिंग के और पावर लिफ्टिंग के ही मेडल हैं, और आपने देख ही लिया होगा मेडल कहाँ, हर एक कोण में, मेरे हर एक घर में, हर एक कोण में मेडल मिलेंगे, हर एक कोण में। बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाए ना, जैसे सपोर्ट आपको पता ही है कि सपोर्ट तो क्या होता है, सपोर्ट मिल जाए तो बस। मैं मेडल तो कुछ भी नहीं है, अगर बंदे को हौसला मिलता, जैसे कुछ सुभाष सर ने मुझे इतना सपोर्ट किया, तो शायद ये मेडल उनकी बदौलत से ही आया, क्योंकि अगर वो साथ नहीं होते ना तो मेरा मेडल नहीं था। उनका सपोर्ट रहा, मेरी फैमिली का, मेरे पूरे गांव का, आप देख सकते हो सब कितना खुश है। और मैं सबको एक ही एडवाइस दूंगी, लड़कियां किसी से कम नहीं है, दबाया सबने है, लेकिन आज उठ गई हूँ तो सब, मतलब सब साथ है मेरे, हर गांव वाला, हर सब, हर जगह चर्चे हो गए हैं। नहीं कभी ये सोचते कि लड़की क्या करेगी, लड़की को पढ़ाओ, शादी कर दो, ये कर दो, शादी लड़की के, जो लड़की अपने मन में ख्वाब सोचती है ना, वो शायद उस लड़की का कभी पूरे नहीं होते। आज मैं हूँ, मेरे ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं, धीरे 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 मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ, बढ़ते जा रही हूँ, बढ़ते जा रही हूँ। आपने शादी की बात की तो मुझे एक डायलॉग याद आ गया, दंगल मूवी आपने देखी होगी दोस्तों, जिसमें आमिर खान गीता और बबीता के फादर का रोल निभा रहे होते, तो उनका एक डायलॉग होता है कि मैं अपनी बेटियों को इतना तैयार करूँ कि मेरी बेटियाँ रिश्ता देखने के लिए जाए, इनकी लड़के खुद देखने के लिए जाए, ऐसा उनका कहना होता है। तो अपने आप में वो भी इंस्पिरेशन है, और मुझे लगता है आने वाले समय में आप इंस्पिरेशन रहने वाले लड़कियों के, क्योंकि लड़कियों को आज भी अबला नारी बोला जाता है, बोला जाता है कि लड़कियां कमजोर होती है, वेट नहीं उठा पाती है, लेकिन आप 135 किलो वेट, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस प्रतियोगिता में वेट लिफ्टिंग में 135 किलो वेट रेशमा कश्यप ने उठाया, इस बात के लिए तालियां यहां पर जरूर बनती है। और 135 किलो कहां से आपकी शुरुआत हुई, कब आपको लगा कि आप इतना वेट उठा पाएंगी? मेरे को, मैंने बोला है ना, सबसे पहले सुभाष सर, उन्होंने मुझे पकड़ा कि आजा मेरे पास वेट लिफ्टिंग कर। मैंने कहा सर मुझे नहीं आती करनी, कहता मैं सिखाऊंगा, मैं हूँ। उन्होंने मुझे गुरु नानक खालसा कॉलेज से ही, मैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। 2 साल की आप? मैं 21 साल की हूँ। तो स्टडी में क्या करती हैं आप? मैं बीए फाइनल ईयर में। तो घर का खर्चा कैसे चलता है, क्योंकि हालात देखकर हम समझ पा रहे हैं, जो मिली जानकारी के अनुसार कि आपके पिताजी भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, शायद माँ भी यही कुछ करते होंगे, तो आप खुद के लिए भी कुछ करते हैं? नहीं, मैं खुद के लिए, मेरा, मैंने आपको बोला कि सुभाष सर कर रहे हैं, और रही पापा की बात, पहले 2 साल पहले ठेला था, उस पर थोड़ा बहुत कर लेते थे, अब 2 साल से वो भी बंद है, क्योंकि लॉकडाउन होने के बाद सबकी सिचुएशन खराब हो गई, और पापा को अस्थमा भी है, तो इस वजह से पापा धूल मिट्टी का तो काम। जब आप बाहर रहती हैं महीनों महीने, तब याद आती है मम्मी पापा की, कि उनकी सेहत ठीक रहे? हाँ, पापा की और मम्मी की, सबकी याद आती है, बस मम्मी है, मम्मी घर का खर्चा चला रही है, भाई है मेरा दिहाड़ी मजदूरी करके, हम दोनों, हम सबको पाल रहे हैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी। टोटल कितने मेडल्स जीत चुकी हैं रेशमा? आप देख सकते हो टोटल, फिर भी कभी काउंट किए कि इतने जीत चुकी हूँ? मेडल काउंट करने के नहीं होते, मेडल तो ये है कि बस आए आए आए, मेडल तो आने चाहिए। तो कहाँ पर ये प्रतियोगिता रही जिसमें अब आप जीत कर आई हैं वेट लिफ्टिंग में, कितने और आपके जैसी लड़कियाँ थी जो आई थी, प्लेयर्स थी आई थी, और कितनों में आप जीत कर आई हैं? अम्बाड़ा हुई थी ये MDSD गर्ल्स स्कूल सीनियर्स, उसमें कॉलेज में, वहाँ पे मैं फर्स्ट आई थी, और भी लड़कियाँ थी, जरूरी नहीं है कि मेरा ही गोल्ड आया, और भी बहुत सी लड़कियाँ थी, उन्होंने भी गोल्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की है। आज ये 2 साल बाद प्रतियोगिता हुई थी, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की, मैंने भी बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद आज ये गोल्ड हासिल हुआ है। बहुत कैसा लगता है जब गोल्ड हासिल करते हैं आप लोग, हाथ में गोल्ड आता है, गले में आपके गोल्ड मेडल पहनाया जाता है, बहुत बहुत अच्छा। रोल मॉडल कौन है हरियाणा से? तो वैसे बहुत खिलाड़ी हैं, लेकिन आपके? मेरे तो बस, मैं तो किसी को क्या कहूँगी, मेरे तो सुभाष सर है सब कुछ। हाँ, वही है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सब, वहीं से मेरे को मोटिवेशन मिला है, वहीं से मेरे को सब चीज उन्होंने किया है, मेरे फैमिली का भी इतना शायद नहीं सपोर्ट। कभी गरीबी आड़े आई इस कामयाबी के? आप, जब मैंने खुद दिहाड़ी मजदूरी करके आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मेरी फैमिली ने मेरे को खाने तक की सब, मतलब हर एक चीज़ देखी हमने, ये नहीं है कि हमने कुछ नहीं देखा, मैं हमने गरीबी, वो हालात देखे हैं लॉकडाउन के टाइम में, जो शायद लॉकडाउन के टाइम हमने तो नहीं देखे, सबने ही देख लिए हैं कि कैसे नून मिर्च हल्दी हर तरह के, महंगाई वैसे ही बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा रेशमा, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप खिलाड़ी हैं तो आप इस सवाल को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगी। हरियाणा सरकार की बात करूँ, जब खिलाड़ी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, सिल्वर मेडल लेकर आते हैं, हरियाणा ही क्यों, चाहे केंद्र सरकार ही क्यों ना, करोड़ों करोड़ों रुपये दिए जाते हैं, लेकिन क्या पहले अगर उनको वो करोड़ों रुपये या लाखों ही दे दिए जाएँ, तो हो सकता है उनकी जो खेलने जो क्षमता है वो ज्यादा बढ़ेगी, उनके पास अच्छे साधन संसाधन आएंगे? और पैसे से देखो कोई बड़ा नहीं होता, अगर बच्चे को ना डाइट टाइम पे मिलती रहे, तो वही है कि डाइट टाइम पे मिलती रहेगी तो कहीं ना कहीं बच्चा आगे, उसको ये नहीं होगा कि मेरे को डाइट नहीं मिल रही है, सबसे मेन होती है प्लेयर की डाइट।
और डाइट का ख्याल इस वक्त कौन रख रहे? सुभाष सर सरी रख रहे हैं सब कुछ। हाँ जी सब सरी रख रहे हैं, उन्होंने ही रखा है मेरे को, अपने पास ही रखा है 3 महीने उन्होंने मुझे अपने पास ही रखा है। उन्होंने ही मेरा खर्चा, खाना पीना, डाइट, किस टाइम प्रैक्टिस करनी। कौन प्लेयर है जो ऐसे हालात, ऐसे लड़कियों के आपने शायद ऐसे हाथ नहीं देखे होंगे, पर ऐसे हो जाते हैं प्लेयर के, ऐसे हाथ हो जाते हैं, प्लेयर के ऐसे हाथ हो जाते हैं। और प्लेयर के पिताजी भी हैं हमारे साथ, रेशमा कश्यप जी के पिताजी हैं, उनसे एक बार जानना चाहेंगे। सर काफ़ी प्राउड फादर आप फील कर रहे होंगे कि मैं एक काफ़ी एक ऐसी यानी कि बेटी का बाप हूं जिसने मेरा सीने, जो मेरा सीना है वो गर्व से चौड़ा कर दिया। हाँ ये तो खुशी की बात है जी, सभी चाहते हैं मेरा बच्चा हो या लड़की हो लड़का हो, सभी मतलब सीने से सारे गांव का रोशन नाम किया है मैंने, मेरा नहीं है इसमें, पूरे गांव का है, हमारे गुआंडों का है, आपका भी है और सुभाष सर का भी है, ठीक है जी, भाई रोहित जी हैं, इनको सबको मैं हाथ जोड़ कर वो करता हूँ, मैंने इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। कभी जब छः बेटियाँ हुई थी घर में, कभी बेटियों को बहुत समझा कि अरे छः बेटियाँ होंगी कहाँ से इनका पालन पोषण करूँगा, कल को इनकी शादियाँ भी करनी है मुझे। 6 बेटी मेरे बाप के पास भी थी और 6 बेटी मेरे पास भी है, उन्होंने भी ये कहा था भी मैं भी 7 जग करूँगा, जब मेरे पास हुई हमने भी ये कहा था भी 7 जग हम भी करेंगे, तो ये हमारा कहना है जी, ये हमारा बिल्कुल। बेटी हर घर में हो तो लक्ष्मी का वास हो ही जाता है। रेशमा की माँ भी हैं, उनसे बात किए बिना हम कैसे जा सकते हैं। आंटी जी सबसे पहले तो आपको बधाई हो, क्या नाम है आपका? सुनीता जी। क्या बताना चाहेंगी बेटी कितनी बड़ी कामयाबी के बारे में, इतने मेडल्स जीत चुकी है वो? मैं तो नू कहना चाहूंगी जिसकी लड़की हो पैदा घर में तो अपनी नाग पढ़ाया का, और जिस तरह मेरी लड़की आगे कर रही है इतनी कोशिश तो मैं भी करूँगा। बिल्कुल ठीक है जी, ना तो गंदी शिक्षा दो ना गंदी संगत में बैठो, और अपनी अगली जड़ा मेरी लड़की जा रही है उससे भी आगे निकलो। बिल्कुल, पूरा गांव यहां पर आप देख सकते हैं तालियां बजाता हुआ नजर आ रहा है, बधाई देता हुआ नजर आ रहा है रेशमा कश्यप को, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी बात इस वजह से है क्योंकि रेशमा कश्यप के पास दोस्तों कहने की बात है, ये देखिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जितने रेशमा कश्यप के पास मेडल है शायद रेशमा कश्यप के घर उतने बर्तन भी नहीं होंगे जितने उसके गले में मेडल है, ये अपने आप में कामयाबी की बात है। हमारे साथ कुछ और भी गांव के लोग मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? प्रमोद शर्मा है जी। तो हम तो इनको मेहनत करते हुए देखते थे, जैसे ये घर का काम भी करते थे, अपने पूरे पारिवारिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको भी अच्छे तरीके से निभाते थे, और साथ ही साथ हमारे मतलब एक आँखों के सामने जो हो रहा है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लड़की सवेरी जाके रेस लगाती थी, उसके बाद फिर घर में डाइट है नहीं है उस चीज़ का उसको कोई ख्याल नहीं है, उसको सिर्फ अपने टारगेट का, उसको टारगेट अचीव करने की उसके अंदर जो लगन है, और उसने अपनी मेहनत करके वो सारी चीज़ें दिखाई हैं, और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये आप लोग और आप सारे गाँव वाले सब देख ही रहे हो। मैं तो खट्टर सरकार से एक निवेदन करूँगा कि इन गरीब परिवार की जितनी भी लड़कियां जो आगे बढ़ना चाहती हैं कृपया उनको आर्थिक सहायता करें, उनको आगे बढ़ने के लिए योगदान दें, और उनको गवर्नमेंट जितने ओलंपिक जैसे हमारा सोनीपत में है उनमें उनको थोड़ा सा गवर्नमेंट आगे आए, थोड़ा खुल के आए, गरीब परिवार के बच्चों के लिए थोड़ा गवर्नमेंट खुल के आए, उनको चूज करें, उनके लिए डू समथिंग बेटर फॉर देम। बिल्कुल, हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन बेटियों को बचाने के बाद बेटियों को पढ़ाने के बाद फायदा तभी है जब हरियाणा सरकार रेशमा जैसी बेटियों के लिए भी कुछ करे और उनको खेल में आगे बढ़ाने का काम करे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। रेशमा के भाई भी हैं यहाँ पर, ये वैसे मेरे भाई बने हुए हैं क्योंकि इन्होंने इनकी वजह से ही मैं आज। अच्छा वैसे आप 6 बहने ही हो? हाँ जी, नहीं एक भाई है पर वो सबसे छोटा है, ये भाई है, इन्होंने भी मुझे इतना सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा ये भाई है। क्या नाम है आपका? रोहित नाम है। यहीं के रहने वाले हैं? मैं करनाल से हूँ, मैं वेट लिफ्टर हूँ, मैं भी मैं इनके साथ गया था कॉम्पिटिशन में, तो वहाँ पे जो हमारा कॉम्पिटिशन था वो एक तरफा ही था क्योंकि मेहनत बहुत कर रखी थी, सुबह शाम दोनों टाइम ट्रेनिंग, घर पे भी रहती वहीं पे रूम ले रखा है, तो हमारा कंपटीशन एक तरफ ही था, मैं पता था शुरू से कि गोल्ड लगेगा ही लगेगा। तब ऑल इंडिया में भी पूरा वो है कि गोल्ड ही आएगा, गोल्ड ही आएगा, जब भी जाएंगी गोल्ड लेकर, गोल्ड ही आएगा, जब भी जाएंगी गोल्ड लेकर आएंगी क्योंकि प्रैक्टिस ही इतनी ज्यादा की हुई है। रेशमा के जो भाई हैं घर में सबसे छोटे हैं उनसे बात कर ले, कभी आपके ऊपर भी दबाव आया बहनें इतना कुछ कर रही हैं, आप भी कुछ कर लो। क्या नाम है? अभिषेक। आप क्या करते हैं? स्कूल में पढ़ता हूं। स्कूल में पढ़ते हैं अभी, तो कुछ सीखा है आपने बहन से? कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? बस मैं बहुत ज्यादा खुशी महसूस, बहुत ज्यादा खुशी है। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से भी?
सरकार से यही कहना चाहूंगा कि ज्यादातर लड़कियों को खेलना चाहिए, लड़के तो वैसे कुछ करते नहीं आजकल। ओलंपिक्स में देखना चाहेंगे बहन को? हाँ जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल ओलंपिक्स में देखना चाहेंगे, हम भी देखना चाहेंगे, पूरा गांव देखना चाहेगा, पूरा हरियाणा देखना चाहेगा और पूरा देश देखना चाहेगा। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, ऊपर तक देखिए एक बार जरा, वो देखिए गांव वाले हैं, ऊपर तक तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।